जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बताएं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आई थी कि जिस अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को रखा हुआ था, वहां पर रिया चक्रवर्ती उन्हें देखने गई थी आखिरी बार। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर ही कई बड़े सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह के परिवार के वकील से लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तक ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। इस बीच एक चश्मदीद भी सामने आया जिसने वहां देखा कि रिया चक्रवर्ती ने वहां क्या क्या किया। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि सरकार से वहां मौजूद रहने का दावा करते हुए करणी सेना के सदस्य सुरजीत सिंह राठौर ने शनिवार को कहा कि यदि सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करती है तो वो सब कुछ बताने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रिया चक्रवर्ती की वो सारी बातें बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती ने वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के शरीर के पास जाकर क्या क्या किया था। करणी सेना के सदस्य ने दावा किया है कि वे कूपर हॉस्पिटल में उस जगह मौजूद थी जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का शरीर था, साथ ही साथ वहाँ पर उनका आखिरी डॉक्टरी इलाज चल रहा था। सुरजीत ने कहा कि उस दौरान रिया चक्रवर्ती का व्यवहार कसूरवार की तरह था और उन्होंने सुशांत का शरीर देखने के बाद सॉरी बाबू भी कहा था। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, राठौड़ ने ANI से कहा कि मैं 15 जून को कूपर हॉस्पिटल में था। करणी सेना के राज्य प्रमुख ने मुझे वहां जाने को कहा था। स्टाफ से अपील करने पर रिया चक्रवर्ती को सुशांत का शरीर देखने की अनुमति दी गई। मैंने जैसे ही सिर को हटाया, रिया ने अपने हाथ सुशांत के सीने पर रखा और सॉरी बाबू कहा। सुरजीत ने यह भी दावा किया कि एक्टर के निधन के पीछे प्रोड्यूसर संदीप सिंह अहम मास्टरमाइंड है। साथ ही साथ सुरजीत ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि संदीप सिंह इस केस में मास्टरमाइंड है। मैं इसके लिए मुंबई पुलिस के पास भी गया था। मैंने DCP अभिषेक त्रिमुखे से संपर्क किया, वे मुझसे मिले और कुछ मैंने कहा उसे लिख कर देने को कहा। मैंने ऐसा ही किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। यदि CBI टीम मुझे संपर्क करता है तो मैंने सब कुछ बताने को तैयार हूँ जो मैं जानता हूँ। ऐसे में संदीप को लेकर बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि वही मास्टरमाइंड थे। शुरुआत से लेकर अभी तक उनको लेकर कई बड़े ऐसे दावे किए गए हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही वो लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अंकिता लोखंडे के कंधे पर हाथ डाले उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत बहन के साथ भी उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन को सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी अंकिता लोखंडे को सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं संदीप, जिसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती के साथ साथ अब संदीप पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ आगे कुछ और बड़ी बातें कही हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें किस प्रकार से कहा गया है कि CBI को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि मैं सुशांत के परिवार के साथ हूँ और हम चाहते हैं कि न्याय जल्द हो। इससे पहले सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के वहाँ जाने पर बहुत संदेशपद है क्योंकि सुशांत के शरीर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। संभव है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस हैसियत से उन्हें सुशांत के शरीर देखने की अनुमति दी गई, क्योंकि ना ही वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थी क्योंकि उनसे झगड़ा करके जा चुकी थी और ना ही उनके साथ कोई दोस्ती आ रही थी। उन्होंने आशंका जताई कि रिया को पिछले दरवाजे से ले जाया गया। उन्होंने इसको लेकर मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सच है। वकील विकास सिंह के आखिर सुशांत सिंह के शरीर के पास क्यों ले जाया गया था रिया चक्रवर्ती को, सिर्फ इस बात को कहने से कि वो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है, उतना कहने से ही सुशांत सिंह के शरीर के पास रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार ले जाया गया और उनका शरीर देखने दिया। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है क्योंकि किसी ना किसी का बड़ा हाथ हो सकता है जिसके चलते वो वहाँ पर गई हो, कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की हो। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था जिसके लिए वो सॉरी कह रही थी। पहले तो ये बताया गया था कि उनकी बहन की वजह से उन्होंने घर छोड़ा था, जिसकी वजह से ही वो सुशांत सिंह को सिर्फ खुश देखना चाहती थी। तो ऐसे में सॉरी बाबू का क्या अर्थ निकलता है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।